हाँ दोस्तों, यदि आपने प्ले स्टोर से कोई भी ऐप्स डाउनलोड करके किसी भी ऐप से लोन ले लिया है और वो आपने शायद रीपेमेंट नहीं किया है, तो कंपनी रीपेमेंट लेने के लिए काफ़ी चीज़ों को यूज कर रही है, जैसे कि गंदी गालियाँ। कोई भी कंपनी हो, लोन आपको देती है तो किसी बेस पे देती है, तो उसके लिए रीपेमेंट लेने के लिए कंपनी का ये अधिकार नहीं है कि आपको गाली दे। और यदि आपको गाली दे रही है और किसी प्रकार की अलग प्रकार की कंडीशन लगा रखी है, जैसे कि किसी फादर पे कॉल करना, मदर पे कॉल करना या किसी दोस्त पे कॉल करना, तो इन सभी के लिए मैं बताऊंगा कि किस प्रकार से आप बच सकते हो और क्या आपके रूल है। दोस्तों, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। दोस्तों, यदि आपको कोई भी कंपनी जितनी भी लोन देती है, कोई भी ए टू जेड, किसी का नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन प्ले स्टोर में लगभग 800 ऐप्स लगभग हो चुकी है कि लोन देती है, कुछ फ्रॉड भी कर देती है, कुछ लीगली देती है, कुछ RBI की गाइड रूल फॉलो करती है, और काफ़ी सारी तो ऐसी कि चाइनीज है, उनका पता ही नहीं होता कि कितना इंटरेस्ट लगाना है और कितना आपको देना है और कितना लेना है। तो इस तरीके की काफ़ी सारी ऐप्स है। यदि किसी ने भी लोन दे रखा है तो उनका एक आधार होता है, जैसे कि पैन कार्ड। पैन कार्ड पे लोन दे रखा है तो उस आधार पर लोन दे रखा है तो उनका मतलब बैठता है केवल पैन कार्ड को ऑक्यूपाइड करना। लेकिन कोई भी कंपनी आपको गाली देती है तो आपको बोलना होगा कि गाली किस मकसद से दी है, गाली का क्या मतलब बैठ रहा है, गाली का चार्ज अलग लगेगा। यदि आपने मुझे गाली दी है तो उसका चार्ज लगेगा, ठीक है। यदि आपको लोन आपने दे रखा है, मानने की बात है 10,000 रुपये दे रखा है आपने, कंपनी ने आपको 10,000 रुपये दे रखा है, तो 10,000 रुपये पर इंटरेस्ट लग रहा है, हम इंटरेस्ट देते हैं। हमारा सिविल स्कोर ख़राब हो रहा है, वो भी हमारा कभी ठीक नहीं होएगा, पेड करने के बाद ही ठीक होएगा। ऐसा तो है नहीं कि पैन कार्ड नया बन जाएगा। आपको बोलना है यदि आप कोई भी दूसरी चीज़ यूज करेंगे, जैसे फादर पे फ़ोन करना, मदर पे फ़ोन करना, किसी फ्रेंड पे फ़ोन करना, या कॉल हैकिंग करना, या किसी प्रकार के कॉन्टैक्ट निकालना, तो उसका जुर्माना आपको भुगतना पड़ेगा। ये कोई भी ऐसी कोई भी गाइडलाइन कंपनी, मतलब कि RBI ने कंपनी के लिए कोई भी गाइडलाइन जारी नहीं कर रखी। यदि आपका कोई लोन रीपेमेंट ना करे तो आप उनके कॉन्टैक्ट हैंग करें या उन्हें गाली दे के परेशान करें, शायद एजेंट भेज सकते हैं। यदि आपका लोन है, पैन कार्ड पे है, तो उसका सिविल स्कोर डाउन कर सकते हैं, लेकिन गाली वगैरह या इस प्रकार की कोई भी अथॉरिटी नहीं दे रखी है RBI ने कि आपको कोई गाली दे। यदि कोई आपको गाली देता है तो आपका भी अधिकार है कि उसका लोन ना पेड करे। उन्हें बोल दीजिए कि यदि आप मुझे गाली देंगे तो मैं कभी भी लोन पेड नहीं करूँगा। यदि आप फादर पे कॉल करेंगे तो मैं आपका लोन नहीं दूंगा, आप फादर से ले लिए। अगर मदर पे फ़ोन करेंगे तो मदर से ले लियो, मैं आप पे लोन है जो वो नहीं दूंगा, क्योंकि मैंने अपने डॉक्यूमेंट पे ले रखा है, अपने फादर या मदर या सिस्टर या किसी के और के पे नहीं ले रखा है। आप दोस्त को फ़ोन करेंगे तो आप उसी दोस्त से ले लियो, मेरे पे आपको कोई लोन नहीं है, ठीक है। दोस्तों, यदि फिर भी आपको कोई परेशान कर रहा है तो कमेंट में लिखिए, ठीक है, उससे पता लगेगा कि कौन से ऐप्स वाला है और क्यों परेशान कर रहा है। दोस्तों, इस प्रकार की प्रॉब्लम बहुत आ रही है कि लड़कों को पहले तो जैसे कि लोन दे रहे हैं, कम उम्र को भी दे रहे हैं, उनके 18 साल ही पूरी हुई है, उनका अभी पैन कार्ड ही बना है, और उन्हें लोन दे के फांस रहे हैं। उन्हें तो लोन एक ना एक दिन पेड करना पड़ेगा, क्योंकि उनकी अभी तो स्टार्टिंग हुई है, लाइफ स्टार्टिंग हुई है, उन्हें आप जॉब से पहले ही लोन दे रहे हैं, फिर उनसे इंटरेस्ट ले रहे हैं, फिर उन पर डर बिठा रहे हैं कि आप पे फादर पे कॉल करेंगे, मदर पे कॉल करेंगे, तो इस तरीके से काफ़ी जो न्यू जनरेशन है वे फांसी जा रही है, केवल सिविल को देखकर। सिविल बता दिया कि आपका सिविल ख़राब हो जाएगा और सिविल डरा के आपसे इंटरेस्ट भी लिया जा रहा है। काफ़ी सारे व्यक्ति ऐसे हैं कि स्टूडेंट ही है, वे घर से पैसे एडजस्ट करते हैं और लोन में इंटरेस्ट इंटरेस्ट में चले जाते हैं, क्योंकि उन्हें लोन दिया है, उन्होंने बिना मतलब खर्च करा है, और वो ऐसी जगह खर्च करा है कि उन्हें पता भी नहीं था कहाँ खर्च करना। उनकी कोई गलती नहीं, क्योंकि आपको जब लोन देना है तो उसके रूल होते हैं, तो रूल के अनुसार आपने कोई रूल मतलब लोन ही नहीं दिया, आपने 10,000 रुपये दिए और उनसे 20,000 रुपये ले लिए। स्टूडेंट की लाइफ बहुत कठिन होती है। इस तरीके से काफ़ी सारी ऐप्स तो ऐसी है कि टारगेट कर रही है जिसकी उम्र 30 साल से कम है या 35 साल से कम है, और जिसकी उम्र ज़्यादा है उन्हें लोन दे भी नहीं रही है, क्योंकि वो मैच्योर हो जाते हैं, उन्हें पता होता है कि लोन देना है या नहीं देना है, क्या रूल है। लेकिन जो मम्मी पापा से डरते हैं या उनकी जो सिचुएशन है कुछ ऐसी है कि वह डर के लोन दे देते हैं, जिन्हें नियम भी कम पता होता है, तो वह ऐसे बंदों को टारगेट कर रही है, फिर गाली देती है, फिर इस प्रकार से आपसे झांसे में फंसा के आप पे इंटरेस्ट इतना लगा रही है कि आप पे जो लोन ले रखा है उसकी प्रिंसिपल वैल्यू भी
भरनी बहुत मुश्किल हो जाती है, इंटरेस्ट इंटरेस्ट आप उतारने में रह जाते हैं। दोस्तों मैं आपको बोलता रहता हूँ कि वीडियो पर आप कमेंट जरूर करें कि मुझे पता लग जाए कि मार्केट में कौन सी ऐप्स आपको ज़्यादा परेशान कर रही है। और काफ़ी सारे व्यक्ति ऐसे हैं कि कमेंट पढ़ते हैं और उसके नियम के अनुसार ही देखते हैं कि किसे ज़्यादा परेशान किया जा रहा है। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसे लगी, वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना।